चैनल तो आज से इस प्लेलिस्ट में जो हम शुरू करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और वो है सेगमेंट्री ठीक है हम इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर करेंगे कि क्या सेगमेंट्री होता है कहाँ सेगमेंट्री का यूज़ होता है सेगमेंट्री हम यूज़ क्यों करते हैं और क्या क्या उसके क्वेश्चन होते हैं मतलब टाइप क्या होता है इसके क्वेश्चन के और इसी के साथ में क्वेश्चन क्या बनते हैं ये सारे के सारे क्या क्यों कहाँ कैसे क्या क्वेश्चन होते हैं इन सभी के जवाब हम इस प्ले में देंगे इसी के साथ में आप इस प्ले को पूरी तरह से फॉलो करें आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि सेगमेंट्री क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है ये सब चीजें आपको धीरे धीरे इस प्ले में समझ में आएगी और साथ ही के साथ में इसमें हम सेगमेंट्री के जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी तो प्लीज़ इस प्ले लिस्ट को अच्छे से पूरी तरह से फॉलो करें अब मैं आपको बताती हूँ सेगमेंट्री क्या होता है तो जैसे कि नाम बताता है सेगमेंट यहाँ पे नाम में ही हमें दिया हुआ है सेगमेंट तो कुछ तो सेगमेंट की बात आई होगी अब सेगमेंट क्या होता है कि सेगमेंट ये हो सकता है देखो वन से थ्री का एक सेगमेंट हो सकता है फोर से सिक्स का एक, एक सेगमेंट हो सकता है ये पूरा का पूरा जीरो से लेकर सेवन तक एक सेगमेंट है तो इस सेगमेंट की जो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम सेगमेंट ट्री अब मान लो यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन दे दिया हमें ठीक है कि जीरो से लेकर थ्री तक का एक सेगमेंट दे दिया और हमें इसका क्या निकाल के लेके आना है सम निकाल के लेके आना है ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया हम जीरो पे आए उसको ले लिया हमने सम में फिर हम कहाँ आए इस वन वाली इंडेक्स पे आए हमने सम को ले लिया फिर हम इस टू वाली इंडेक्स पे आए यहाँ पे भी हमने सम को ले लिया फिर हम लास्ट में ये जो थ्री वाली इंडेक्स है उस पर आए और हमने इन सभी का सम कैलकुलेट कर लिया और आके बोल दिया कि जो हमारा आंसर है वो क्या है नाइन है ठीक है तो हमने क्या किया अगर मैं इस जीरो को एल ले लूं सेगमेंट की लोअर रेंज ले लूं और इस थ्री को सेगमेंट की अपर रेंज ले लूं तो ये हमारी क्या हो गई एक क्वेरी हो गई यहाँ पे ये एल से आर के बीच में ये क्या क्रिएट हो गई एक क्वेरी हो गई हमारी ठीक है ये एक पूरा सेगमेंट है और इसकी मुझे क्या लेके आनी है सम लेके आना है तो यहाँ पे मुझे टाइम कितना लगा यहाँ पे मुझे टाइम लगा ओ ऑफ आर माइनस एल क्यों लगा क्योंकि मैं यहाँ से शुरू क... मैंने क्या किया लो से शुरू किया और आर तक पहुँचते पहुँचते इस बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उन सभी का सम ले लिया मैंने ठीक है अब ये टाइम ज्यादा से ज़्यादा हमारा कहाँ तक जा सकता है ओ ऑफ़ एन तक जा सकता है एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे ठीक है n क्या है हमारा है? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है o ऑफ n तक जा सकता है अब देखो किसी ने तुमसे कहा कि मुझे ना एक सेगमेंट का सम लेके आना है मान लो मुझे 1 से 5 तक का एक सेगमेंट है और इसका सम लेके आना है तो तुम लोग सिंपली क्या करोगे 1 पे वन इंडेक्स से शुरू करोगे और फाइव तक आइट्रेट करते करते जितना भी सम होगा वो पूरा का पूरा कैलकुलेट करके लेके आ जाओगे ठीक है तो इसमें टाइम कितना लगा ओ ऑफ एल माइनस आर लगा पर मैंने तुम्हें बोला कि इसको तुम करो लॉगरिथमिक टाइम में सॉल्व ठीक है लॉगरिथमिक टाइम में सॉल्व तो अब कैसे करोगे अब इसका जो सोल्यूशन आया है वो आया है हमारे पास में क्या सेगमेंट ट्री ठीक है

और तुम्हें करना है यहाँ पे सेगमेंट में सेगमेंट की या तो समेशन निकाल के लेके आना है या मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लेके आनी है या मिनिमम वैल्यू निकाल के लेके आनी है और लॉग रत्मक टाइम में निकाल के लेके आनी है तो तुमने किसका यूज किया सेगमेंट ट्री का यूज किया तो सेगमेंट ट्री ने क्या किया हर एक सेगमेंट की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा लिया और जो भी आंसर था तुम्हें वो लाके दे दिया तो ये होता है हमारा सेगमेंट ट्री बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे मन में कि सेगमेंटरी बनेगा कैसे कैसे वो सेगमेंट पे जो भी हमें ऑपरेशन करना है उसके लिए डिजायर्ड आंसर लाके देगा ठीक है क्या सेगमेंट ट्री पे ऑपरेशन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए सेगमेंट ट्री को मेरे साथ में समझते रहिए अगर आपको सेगमेंट ट्री की ये इंट्रो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू सो मच